हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फिर से डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 3 हम स्टार्ट करने वाले हैं। फिर इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं वो है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू अ होमोजेनियस इक्वेशन, यानी ऐसी इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन जिनको हम होमोजेनियस इक्वेशन में सॉल्व कर सकते हैं। इससे जो पहले लेक्चर थे उसमें हमने डिफरेंशियल इक्वेशन की जो होमोजेनियस इक्वेशन है उनको सिंपली सॉल्व करना सीखा था। अब ऐसी इक्वेशन जिनको हम होमोजेनियस इक्वेशन में चेंज कर सकते हैं। और फिर होमोजेनियस इक्वेशन क्या होती है? ऐसी इक्वेशन जो इस फॉर्म में हो, इस फॉर्म की इक्वेशन जो होती है वो होमोजेनियस इक्वेशन होती है। अब इस तरह की इक्वेशन जिनको हम होमोजेनियस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, उन इक्वेशन को किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, ये हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, इसको भी एग्जांपल की हेल्प से क्लियर करेंगे, किस तरह से समझ सकते हैं। इसका बेसिक जो मेथड है, बेसिक मेथड मैंने और वीडियो बनाई हुई है, उनमें आप इसका बेसिक मेथड भी आप देख सकते हो। इसमें हम एग्जांपल लेंगे कि एग्जांपल की हेल्प से किस तरह से हम समझेंगे इसको, किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला हम एग्जाम्पल लेंगे, पहला एग्जाम्पल है हमारे पास x माइनस वाई डी वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस वन डी एक्स। तो फिर इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं? तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम सिंपली डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे। तो सॉल्यूशन करते हैं, यहां से सॉल्यूशन डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, तो यहां से हो गया हमारे पास डी वाई, डी एक्स को नीचे लाए और इसको इधर डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वाई। अब ये हमारे पास फॉर्म हो गई, जो कि हमारे पास जो जनरल फॉर्म थी उसी से रिलेटेड थी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम इस कंपेयर करें तो ए यहाँ पे वन है, इसका वन मल्टीप्लाई, बी यहाँ पे वन मल्टीप्लाई सी की जगह वन हो गया, एक्स माइनस वाई यहाँ पे ए की जगह वन हो गया, बी की जगह माइनस वन हो गया और सी की जगह जीरो हो गया। तो इस तरह से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, लेट एक्स बराबर एक्स प्लस एच एंड वाई बराबर वाई प्लस के, यानी x बराबर जो माना हमने कैपिटल x प्लस h मान लिया और y बराबर कैपिटल y प्लस k मान लिया। तो यहां से हमारे पास फ्रेंड्स डी एक्स बराबर तो हो गया डी एक्स, क्योंकि h जो है वो कोई कॉन्स्टेंट है, h और k जो है यहाँ पे कॉन्स्टेंट है फ्रेंड्स हमारे पास, एंड डी वाई बराबर हो जाएगा डी कैपिटल y। तो इस तरह से ये हमारे पास आ गया है x और y की वैल्यू। तो यहां से हम अगर इनकी हेल्प से एच और के की वैल्यू अगर हम रखना चाहें तो एच और के की वैल्यू क्या रख सकते हैं, एच बराबर एक्स माइनस एक्स एंड वाई बराबर यहां पे सॉरी के बराबर वाई माइनस एच बराबर एक्स माइनस एक्स एंड के बराबर हो गए हमारे पास वाई माइनस कैपिटल वाई। और फिर x और h को हम किस तरह से लेते हैं, ये भी हम आगे इसमें समझेंगे कि h और k जो है वो किस तरह की किस कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। तो यहाँ से ये हो गया हमारे पास, तो अब पहले ये वैल्यूज पुट करते हैं। तो यहाँ से हो गया हमारे पास डी वाई की जगह, तो हम डी वाई की जगह यहाँ से डी वाई कैपिटल डी वाई अपॉन इस तरह से है डी एक्स इक्वल टू एक्स की जगह x प्लस एच, तो ये हो गए हमारे पास x प्लस एच, और y की जगह y प्लस के, तो ये हो गए y प्लस के एंड प्लस वन अपॉन x की जगह, तो है यहां से x प्लस एच एंड y की जगह हो जाएगा y प्लस के, y प्लस के तो y माइनस के यहाँ आ जाएगा, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई है यहाँ पे, और ये हो गए हमारे पास। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम क्या करेंगे,
एच और के को इस तरह से चूज करते हैं हम कि एच प्लस के एच, यानी कि यहाँ पे एक्स के अलावा जो कोएफिशिएंट बनता है एच या टू एच थ्री एच जो भी बनेगा, यहाँ पे सिंपली एच होना है, एच प्लस ये के प्लस वन इक्वल टू जीरो और सेकंड एच माइनस के इक्वल टू जीरो, एच माइनस के इक्वल टू जीरो। यानी कि हमारे पास किस तरह से लेते हैं कि जो ऊपर वाली टर्म है ये जो फंक्शन है इस फंक्शन में सिर्फ एक्स एंड वाई के फॉर्म बच जाए, बाकी जो है हमारे पास जीरो हो जाए, तो एक्स प्लस वाई एंड ये हो जाएगा एक्स माइनस एच, क्योंकि एच प्लस के प्लस वन इक्वल टू जीरो एंड एच माइनस के इक्वल टू जीरो, तो ये हो गया हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स। तो यहाँ से हम एच और के की वैल्यू निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। तो एच और के की वैल्यू क्या हुई, एच बराबर के, इससे तो एच बराबर के आ गए इस इक्वेशन से, तो इस इक्वेशन में अगर एच बराबर के पुट करें तो टू एच बराबर, यानी के की जगह एच पुट कर रहे हैं तो टू एच प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो एच इक्वल टू माइनस वन बाई टू। तो यहाँ से हमारे पास एच बराबर के बराबर माइनस वन बाई टू, तो यहाँ हमारे पास एच एच के की दोनों की वैल्यू हमारे पास यहाँ तक आ चुकी है। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है हमें, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सिंपली जो हमने होमोजीनियस को पढ़ने के लिए सॉल्व किया था वही करेंगे हम। सिंपली क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स ये है हमारे पास, और यहाँ पे हमने वाई कॉमन ले लिया, तो वाई कॉमन लेने पे ये बन जाएगा एक्स अपॉन वाई प्लस वन वाई यहाँ पे बाहर, और यहाँ पे वाई कॉमन ले लिया तो ये बन जाएगा एक्स अपॉन वाई माइनस वन और ये वाई, तो वाई से वाई कट जाएगा, ये वाई से वाई कट गया, ये हमारे पास बच गया। अब हमें एक्स अपॉन वाई बराबर कैपिटल बी मानना है, तो यहाँ पे हमने सपोज कर लिया लेट एक्स अपॉन वाई बराबर कैपिटल बी, तो यहाँ से हो गया एक्स बराबर बी एक्स, तो डी एक्स अपॉन वाई अपॉन एक्स मानना है फ्रेंड्स, तो वाई अपॉन एक्स, क्योंकि वाई अपॉन एक्स मानना है तो हमें यहाँ पे एक्स कॉमन लेना होगा, क्योंकि वाई डी वाई अपॉन डी एक्स है, तो यहाँ पे हमें एक्स कॉमन ले होगा, तो वन प्लस वाई अपॉन एक्स एंड यहाँ पे भी हमारे पास वन माइनस वाई अपॉन एक्स ये आ गया। तो लेट वाई अपॉन एक्स बराबर वी, तो वाई बराबर वी एक्स, तो यहाँ से आ गया हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कैपिटल वाई है फ्रेंड्स, वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, तो ये हो गया हमारे पास v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू वन प्लस वी अपॉन वन माइनस वी, यानी वाई अपॉन एक्स वैल्यू पुट कर दी v हमने, फिर इस v को हम उधर ले जाएंगे, तो v को उधर ले जाएंगे तो माइनस वी हो जाएगा इधर माइनस वी। अब इसको हमने माइनस किया तो ये हो जाएगा हमारे पास वन प्लस वी माइनस वी प्लस वी स्क्वायर अपॉन वन माइनस वी, तो वी से वी कट गया, ये हो गया हमारे पास वन प्लस वी स्क्वायर अपॉन वन माइनस वी। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमारे पास जो आ गया ये इस टर्म से एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू वन प्लस वी स्क्वायर अपॉन वन माइनस वी, ये आ चुका है, ये टर्म हमारे पास आ चुकी है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ से हमें क्या करना है, x और y की टर्म को एक साथ एक अलग अलग ले जाना है, तो वन माइनस वी अपॉन वन प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू और यहाँ पे डी वी इक्वल टू वन अपॉन एक्स और डी एक्स। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारे पास, अब इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने पे हमारे पास अगर हम इसको इस तरह लिखे वन अपॉन वन प्लस वी स्क्वायर डी वी माइनस वन अपॉन सॉरी वी अपॉन वन प्लस वी स्क्वायर ऑफ डी वी इक्वल टू वन अपॉन एक्स
ऑफ डी एक्स इंटीग्रेशन, क्योंकि इसको हमने क्या किया फ्रेंड्स, पहले इसको सॉल्व करने के लिए सिंपली 1 माइनस बी अपॉन, इसको लिखा है 1 अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस बी अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर ऑफ डी वी। तो इसको हम आगे करके इस डी वी को अंदर ले गए और उसके बाद दोनों को इंटीग्रेशन कर दिया हमने, ये टर्म चेंज करके हमने इस टर्म को लाए हैं। तो अब इसका इंटीग्रेशन देखते हैं, इसका इंटीग्रेशन किस तरह से किया जा सकता है। तो फिर ये टर्म का हमने इंटीग्रेशन फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था, कुछ फॉर्मूले हमने सिंपली पढ़े थे, तो उसकी हेल्प से यहाँ पे हम 1 अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर हमने पढ़ा था, तो इसका होता है टेन इनवर्स वी, टेन इनवर्स वी। और अगर इसका इस टर्म का इंटीग्रेशन करना है, इस टर्म का इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करना होगा, हमें 1 प्लस बी स्क्वायर को इंटीग्रेशन, अगर इंटीग्रेशन करके बता देता हूँ मैं, वी अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर। तो लेट 1 प्लस बी स्क्वायर बराबर जेड, कोई अलग से एक वेरिएबल ले लिया, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 2 डीवी इक्वल टू डी जेड या वी डीवी इक्वल टू डी जेड। तो यहां से हमारे पास ये हो जाएगा, डीवी है ये हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन 2, ये 1 अपॉन 2 इसको हमने जेड माना है, तो 1 अपॉन जेड और ये वी डीवी बराबर डी जेड, तो ये हो गया हमारे पास। और 1 अपॉन जेड का सिंपली क्या होगा, लॉग जेड, तो 1 अपॉन 2 बाहर है ये, तो अगर जेड की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 लॉग 1 प्लस वी स्क्वायर। तो ये वैल्यू हम डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर रहे हैं, माइनस 1 अपॉन 2 लॉग 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन 1 अपॉन x का लॉग x और प्लस जो कॉन्स्टेंट होता है c, ये हमारे पास इसका इंटीग्रेशन आ गया, टेन इनवर्स v अपॉन 1 प्लस 2 लॉग 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू लॉग x प्लस c। बट फ्रेंड्स हमने v की वैल्यू कुछ सपोज की थी, तो v की वैल्यू क्या है हमारे पास, v की वैल्यू क्या है, y अपॉन x, तो ये हो गया हमारे पास टेन इनवर्स y अपॉन x, कैपिटल y अपॉन x फ्रेंड्स से माइनस 1 बाय 2 लॉग 1 प्लस y अपॉन x, तो y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू लॉग x प्लस c, ये हो गया। अब y और x की वैल्यू यहां से हम निकाल सकते हैं, तो अगर y और x की वैल्यू निकालनी है हमें, तो हमें यहां पे पहले इससे x की वैल्यू जो आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास x माइनस एच एंड y की वैल्यू आ जाएगी यहां से y बराबर y माइनस k। तो हमारे पास x और h और k की वैल्यू हमारे पास है, h की वैल्यू क्या है, h और k की वैल्यू माइनस 1 बाय 2, तो x की वैल्यू है हमारे पास x माइनस 1 बाय 2 एंड y की वैल्यू है हमारे पास y माइनस 1 बाय 2। तो यहां से ये वैल्यू हम पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स y की वैल्यू y माइनस 1 बाय 2 अपॉन x माइनस 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 2 लॉग 1 प्लस y माइनस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर अपॉन x माइनस 1 बाय 2 का स्क्वायर इक्वल टू लॉग x की वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू x माइनस 1 बाय 2 प्लस c। तो फ्रेंड्स ये जो वैल्यू आई है हमारे पास, ये इसका सॉल्यूशन है। तो इस तरह से हम जो इक्वेशन को हम होमोजीनियस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, उनका सॉल्यूशन हम इस तरह से निकाल सकते हैं। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है वो इस फॉर्म में आया है हमारे पास। अब हम नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेंगे इसी वीडियो में, इसको और क्लियर करने के लिए कि अगर इस तरह की होमोजीनियस में चेंज करने वाली इक्वेशन हो तो उनको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इसको और अच्छे से समझने के लिए एक और एग्जांपल लेंगे हम। ये एग्जांपल है फ्रेंड्स हमारे पास, सॉल्व 4x प्लस 6y
प्लस फाइव डी वाई इक्वल टू थ्री वाई प्लस टू एक्स प्लस फोर ऑफ डी एक्स इक्वल, ये है हमारे पास। तो फिर इस प्रॉब्लम को किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, फोर एक्स प्लस सिक्स वाई प्लस फाइव इक्वल टू थ्री वाई प्लस टू एक्स प्लस फोर। तो फ्रेंड्स इसको हम देखने पे ऐसे लग रही है हमें कि ये होमोजीनियस में चेंज की जा सकती है, बट जरूरी नहीं है कि उसी मेथड से जिसको हमने होमोजीनियस में चेंज किया उससे हम इसको सॉल्व कर पाए, क्योंकि अगर इसको हम सॉल्व करने के लिए देखेंगे सॉल्व, यहाँ पे हम डी वाई अपॉन डी एक्स बना रहे हैं, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ये हो गया हमारे पास 2x plus 3y plus 4 upon 4x plus 6y plus 5। अगर फिर इस कंडीशन में हम इसको x और h की वैल्यू हम पुट निकालना चाहें, x की जगह x plus h और y की जगह y plus k हम निकालना चाहें, तो हमारे पास जो एच और जो इक्वेशन बनेगी एच और के लिए एक्स की जगह एक्स प्लस एच करके तो टू एच, और यहाँ से वाई की जगह वाई प्लस के पुट करेंगे तो टू के प्लस फोर इक्वल टू जीरो एंड टू, यहाँ से हमारे पास फोर एच प्लस ये सॉरी थ्री के था, यहाँ पे थ्री के और यहाँ पे सिक्स के प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, यानी कि ये हमारे पास इस तरह से कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। अगर इसमें से हम टू कॉमन ले लें इस इक्वेशन में से तो ये टू एच आ जाएगा, यहाँ पे थ्री के आ जाएगा, इधर फाइव बाई टू आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास ये इस तरह की इक्वेशन आ चुकी है कि इस मैट्रिक्स का इसका हमारे पास ये सेम है दोनों को, टू एच प्लस थ्री के टू एच प्लस थ्री के, तो इस तरह से एच और के की वैल्यू निकालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 2h plus 3k ही हमारे पास 4 के इक्वल बैठ रहा है और 2h plus 3k ही माइनस 4 और माइनस 5 बाई 2 के इक्वल बैठ रहा है, तो h और k की वैल्यू इस कंडीशन में हम नहीं निकालते। इस कंडीशन हम क्या करते हैं, 2h plus 3k को एक अलग वेरिएबल दे देते हैं w, तो उस तरह उस कंडीशन में w plus 4 एंड w plus 5 बाई 2, तो इस तरह की कुछ इक्वेशन बन जाती है और उससे हम सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करते हैं ये देखते हैं फ्रेंड्स। तो यहां से इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हो, 2x प्लस 3y प्लस 4 अपॉन 2 कॉमन 2x प्लस 3y प्लस 5। तो फ्रेंड्स हम जो स्टार्टिंग हमने जो इक्वेशन लिखी थी dy अपॉन dx बराबर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, तो वो इक्वेशन पहले जो प्रॉब्लम थी जो हमने फर्स्ट एग्जांपल सॉल्व किया था वो उस तरह से सॉल्व करेंगे अगर हमारे पास ए अपॉन ए नॉट इक्वल टू बी अपॉन बी हो, यानी कि इनका जो अनुपात है प्रोपोर्शन है वो इक्वल नहीं हो, तो उस कंडीशन में हम जो हमने पहला एग्जांपल दिया था उस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें 1/2 1/2 यानी ए अपॉन ए 2/4 एंड 3/6, तो ये हो गया हमारे पास 1/2 1/2, दोनों का प्रोपोर्शन 1/2 1/2 है, तो इस कंडीशन में हम इसको सिंपली जो हमने पहला एग्जाम्पल सॉल्व किया था इस तरह से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम किस तरह से सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। तो ये हो गया हमारे पास, नाउ लेट 2x प्लस 3y इक्वल टू w, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू w ले लिया हमने, तो यहाँ से हमारे पास आ गया डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया हमने विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से इसका तो हमारे पास सिंपली 2 प्लस 3 dy अपॉन dx इक्वल टू dw अपॉन dx, ये हो गया 2 प्लस 3 dy अपॉन dx इक्वल टू dw अपॉन dx, तो यहाँ से हमें dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी है फ्रेंड्स,
यहां से डीवाई अपॉन डीएक्स की वैल्यू क्या जाएगी, 1 अपॉन 3 इंप्लाइज डीडब्ल्यू अपॉन सॉरी डीवाई अपॉन डीएक्स इक्वल टू 1 अपॉन 3 डीडब्ल्यू अपॉन डीएक्स माइनस 2। तो ये हमारे पास डीवाई अपॉन डीएक्स की वैल्यू यहां से आ चुकी है। अब ये वैल्यू हम यहां पुट करेंगे, तो ये हो गया हमारे पास 1 अपॉन 3 आएगा यहाँ पे, 1 अपॉन 3 डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स माइनस 2 इक्वल टू, इसकी जगह हमारे पास W हो गया, W प्लस 4 अपॉन 2W प्लस 5। तो यहाँ पे ये हो गया। अब हम इस 3 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, इधर मल्टीप्लाई किया तो 3W प्लस 12। तो यहाँ से ये हो गया हमारे पास DW अपॉन DX माइनस 2 इक्वल टू 3W प्लस 12, 2W प्लस 5। अब इस 2 को हम उधर ले जाएंगे, तो 2 को उधर ले जाएंगे तो ये यहाँ से जाके प्लस 2 हो जाएगा इधर। तो ये हो गया हमारे पास 3W प्लस 12 प्लस 4W प्लस 10 अपॉन 2W प्लस 5। तो ये हो गया हमारे पास 7W प्लस, ये हो गया हमारे पास 22 अपॉन 2W प्लस 5। तो अब ये हमारे पास आ गया टोटल यहाँ से DW अपॉन डी एक्स इक्वल टू 7W प्लस 22 अपॉन 2W प्लस 5। अब फ्रेंड्स इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए पहले इसको सेपरेट करना होगा। तो ये हुआ 2W प्लस 5 अपॉन 7W प्लस 22 ऑफ DW इक्वल टू DX। ये हो गया हमारे पास। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, मैं इस लाइन को हटा रहा हूं। तो यहां से ये हो गया हमारे पास 2W अपॉन 7W प्लस 22 प्लस 5 अपॉन 7W प्लस 22 DW इक्वल टू DX। यानी हमने क्या किया, 2W अपॉन 7W यानी स्क्वायर इज स्क्वायर, इसके नीचे इसको पुट कर लिया है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हमें क्या करना है, इस टर्म को इस तरह से करना है कि इसका इंटीग्रेशन सिंपली हो जाए। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमें इसको कुछ चेंज करने पड़ेंगे, इसमें कुछ हमें चेंज करने पड़ेंगे। और इसको चेंज करने के सबसे जो इजी मेथड है वो है हमारे पास पार्शियल फैक्टर बनाने की विधि। तो पार्शियल फैक्टर हम डायरेक्टली यहां से ही बना सकते हैं। पार्शियल फैक्टर किस तरह से बना सकते हैं फ्रेंड्स, वो बना सकते हैं 7W अपॉन 5 इक्वल टू पुट कर रहे हैं हम a अपॉन 7W प्लस 22 फ्रेंड्स। पार्शियल फैक्टर ने सिंपली डिवाइड कर सकते हैं, यहां से हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइड करने पे आ जाएगा हमारे पास 7W प्लस 5 को डिवाइड करना है हमें, सॉरी 2W प्लस 5 को डिवाइड करना है, 2W प्लस 5 को डिवाइड करना है 7W प्लस 22 से, प्लस 22 से। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 अपॉन 7, तो यहाँ से जाएगा 2 अपॉन 7, तो ये हो जाएगा 2W प्लस 2 अपॉन 7 का इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 अपॉन 7, तो ये माइनस माइनस ये हो गया हमारे पास, माइनस कट गए
और ये 5 माइनस 44 अपॉन 7, तो ये हो जाएगा हमारे पास 35 माइनस 44 अपॉन 7, तो ये हो गया हमारे पास -9 अपॉन 7 बचा। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, इसको हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं 7W, इसको 2 अपॉन 7 प्लस माइनस 9/7 अब फ्रेंड्स ये आ चुका है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको सिंपली डिवाइड करना होगा। तो इसको सिंपली डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पे हम 2W अपॉन 5 2W प्लस 5 को डिवाइड करना है 7W प्लस 22 से, तो ये हो गया हमारे पास 2 अपॉन 7, तो 2W प्लस ये हो गया हमारे पास 44 अपॉन 7, माइनस किया इसको तो माइनस करने पे ये आ जाएगा हमारे पास 0, ये कट जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास 5 माइनस 44 अपॉन 7, तो ये हो जाएगा -9 अपॉन 7, तो ये हमारे पास -9 अपॉन 7 आ चुका है। तो इसको हम लिख सकते हैं अब 2/7 इसको इक्वल टू 2/7 -9/7 और मल्टीप्लाई क्या 1 अपॉन 7W प्लस 22 ऑफ DW इक्वल टू यहाँ पे है हमारे पास DX। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब जब हमने इसको इस तरह से लिख दिया है तो फ्रेंड्स इस लाइन को हम नहीं मिटा सकते क्योंकि हमने ये सपोज किया है, इससे नीचे की लाइन को हम मिटा रहे हैं क्योंकि इसकी हमें इस लाइन की हमें जरूरत पड़ेगी आगे फ्यूचर में। तो अब इसको हम देखते हैं, अगर इसमें से हम 7 अपॉन 2 कॉमन ले लें, ये हमारी मर्जी है फ्रेंड्स, हम कॉमन ले चाहे या ना लेना चाहे, अगर नहीं लेना चाहे तो नहीं लेंगे। तो यहाँ से हम सिंपली सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से इंटीग्रेशन करते हैं दोनों साइड, यहाँ से इंटीग्रेशन की साइड आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 अपॉन 7 ओमेगा -9 अपॉन 7, इसका ये हो जाएगा हमारे पास लॉग 7W प्लस 22 इक्वल टू x। अब बट W की वैल्यू हमारे पास है, W की वैल्यू क्या है 2x प्लस 3y, तो यहाँ से हो जाएगा 2 अपॉन 7 2x प्लस 3y और साथ में प्लस c यहाँ पे है हमारे पास -9 अपॉन 7 log 7 2x प्लस 3y +22 इक्वल टू x प्लस c। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया। तो इस तरह से हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन हमने इसमें जो पढ़ा हमने उसमें ऐसे इक्वेशन जिनको हम होमोजीनियस में बदल सकते हैं, उनके दो केस हमने पढ़े थे और ये दो केस ही होते हैं, तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को हम होमोजीनियस में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 4 में हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम पढ़ेंगे। अगर फ्रेंड्स आपको यहाँ तक किसी तरह का डाउट हो तो हम उसे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9460689761 या मेरी मेल आईडी है वो है hitesmwena9785161@gmail.com। आप यहाँ पे मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स।